पब्लिक टीवी आपकी आवाज। जब भारत पर आक्रमण हुए तो सबसे ज्यादा नुकसान मंदिरों को पहुंचा, क्योंकि मंदिर हमारी आस्था के केंद्र भी थे और मंदिर हमारी संपत्ति के केंद्र भी थे। मुरादाबाद क्षेत्र में अगर हम प्राचीन काल से देखें तो पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि राजा नहुष के पुत्र ययाति ने संभल नगर की स्थापना की थी। पौराणिक काल से संभल नगर विद्यमान है। भारत पर विदेशी आक्रमण हुए, आक्रमणकारियों ने भी संभल को महत्वपूर्ण माना। एक समय सल्तनत काल में जो बलबन, नासिरुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी जैसे शासक थे, इन्होंने अमरोहा और बदायूं को महत्व दिया, लेकिन इब्राहिम लोदी के समय तक आते आते संभल फिर से महत्वपूर्ण हो गया। लोदियों के समय संभल को सूबा संभल की राजधानी बनाया गया। बाबर ने आक्रमण किया तो बाबर ने भी संभल को इस प्रदेश की राजधानी घोषित किया। अपने बड़े पुत्र हुमायूं को संभल का गवर्नर बनाया। जब हुमायूं बाबर के बाद आगरे का शासक हुआ तो उसने असगरी को, जो उसका छोटा भाई है, बाबर का छोटा पुत्र है, उसे संभल का गवर्नर बनाया। इससे दो बात साबित होती है, संभल महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र है, संभल महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। पृथ्वीराज चौहान के बाद जिन राजाओं ने आक्रमण किया उन्होंने संभल को केंद्र बनाया। देखिए अभी इसी वर्ष में पिछले दिनों मुरादाबाद के जो वर्तमान कमिश्नर हैं उन्होंने एक मंडलीय गजेटियर प्रकाशित किया और उसमें मुरादाबाद मंडल के सभी क्षेत्रों के विद्वानों को बार बार आमंत्रित किया और उनसे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। कुछ विद्वानों की सहायता से पुराने गजेटियर्स का अध्ययन किया गया, उसके बाद मंडलीय गजेटियर तैयार किया गया। तो पुराने गजेटियर्स में इस बात का उल्लेख है जिसे कमिश्नर महोदय के गजेटियर में साफ साफ लिखा गया है कि 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने संभल में हरिहर मंदिर का निर्माण कराया था। मैं यहां ये बात मानता हूं कि जो पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर बनाया उससे पहले कितनी ही बार मंदिर पर आक्रमण हुआ होगा, कितनी ही बार राजाओं ने उसे परिवर्तित किया होगा। पृथ्वीराज चौहान की ताकत बढ़ी, उन्होंने मंदिर को फिर से मंदिर में परिवर्तित कर दिया। आज ये मसला फिर नया उभरा है तो ये भारतीय समाज की जो समरसता है उसके आधार पर हिंदू और मुस्लिम विचारकों को ये समझना पड़ेगा कि दोनों, हिंदू और मुसलमान, सामाजिक समन्वय के साथ ये फैसला करें कि जो उनके धर्मस्थल हैं वो उन्हें प्राप्त हो। और ऐसा भी संभव नहीं है कि हम सारी मस्जिदों को मंदिर में बदल दें। अब जो पुराना गजेटियर है वो किस सन का है और जो अब है वो? देखिए जो पुराना गजेटियर है वो 1968 का है। उस गजेटियर में प्राचीन काल के जो इतिहासकार हुए जिन्होंने ब्रिटिश काल में गजेटियर्स लिखे उनमें सीहोरर और नेविल दो गजेटियर लेखक हैं जिन्होंने गजेटियर्स का संकलन किया, उन्होंने संभल के हरि मंदिर का उल्लेख किया है। उसी आधार पर 2024 के मंडलीय गजेटियर में इस बात को स्पष्ट रूप से लिखा गया है, उसके प्रमाण दिए गए हैं।
अब तो ये भारतीय समाज की खूबी है कि उसे समरसता और समन्वय के साथ ये तय कर लेना चाहिए कि ये इमारतें प्राचीन हिंदू मंदिर हैं, इन्हें हिंदुओं को दिया जाना चाहिए, और ये इमारतें जो मंदिर से मस्जिद में कन्वर्ट कर ली गई, इन इमारतों को मुस्लिम भाइयों के पास छोड़ देना उचित होगा। हिंदुओं को भी अपनी उदारता इस विषय में प्रदर्शित करनी होगी। बिना उदारता के भारतीय समाज की समरसता को संभालना मुश्किल होगा, और हमारा ये कर्तव्य है, हम गणतंत्र के जिम्मेदार नागरिक हैं, तो अपने समाज के समन्वय, समरसता और पारस्परिक विश्वास, इसे बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमें तय करना पड़ेगा कि कौन सी मस्जिदें जो मंदिर में बदली जाएं, जो हिंदुओं के पास रहेंगे, और कौन से मंदिर जो मंदिर से मस्जिद बनाई गई वो मस्जिद रहेंगी। हिंदू समाज अपना अधिकार छोड़कर उन्हें मुसलमानों को देने पर सहमत हो जाए, मेरी ये शुभकामना है।